क्या आपको पता है कि ठठेरा का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है? अगर नहीं पता है तो ये वीडियो आपके लिए काफी अधिक उपयोगी साबित होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ठठेरा के स्त्रीलिंग शब्द के बारे में बड़ी ही अच्छी जानकारी देने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। अधिक समय न लेते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं और आपको सबसे पहले बता देते हैं कि दोस्तों, जिस किसी शब्द के रूप से यह जान लिया जाए कि यह व्यक्ति या वस्तु स्त्री जाति का है या फिर पुरुष जाति का है, तो उसे हम लिंग कहते हैं। और पुलिंग की अगर बात की जाए तो वह शब्द जो पुरुष जाति का बोध कराता हो उसे पुलिंग कहा जाता है। और इसी तरह से स्त्रीलिंग की अगर बात की जाए तो वह शब्द जो स्त्री जाति का बोध कराता हो उसे स्त्रीलिंग कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों, अब हम आपको बता देते हैं कि ठठेरा का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है। तो दोस्तों, अगर ठठेरा शब्द की स्त्रीलिंग शब्द की बात की जाए तो वह ठठेरिन या फिर ठठेरी होगा। यानी दोस्तों, एक बार जरा ध्यान से सुनिए कि ठठेरा का स्त्रीलिंग शब्द दो होता है, पहला होता है ठठेरिन और दूसरा होता है ठठेरी। यानी दोस्तों, यहां पर ठठेरा एक पुल्लिंग शब्द होता है और वहीं पर ठठेरिन या फिर ठठेरी एक स्त्रीलिंग शब्द होता है। इसके अलावा दोस्तों, अब हम आपको बता देते हैं कि तांबे, पीतल आदि के बर्तन बनाने वाले कारीगर या फिर बर्तन बेचने वाला दुकानदार जो होता है उसे ठठेरा कहा जाता है। और इस दुकानदार की जो महिला है या फिर जो महिला दुकानदार होती है तो उसे ठठेरिन या फिर ठठेरी कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों, अब हम आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि ठठेरा का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है। तो दोस्तों, अगर ठठेरा शब्द के स्त्रीलिंग शब्द की बात की जाए तो वह ठठेरिन या फिर ठठेरी होगा। यानी दोस्तों, एक बार जरा ध्यान से सुनिए कि ठठेरा का स्त्रीलिंग शब्द ठठेरिन या फिर ठठेरी होता है और यहां पर ठठेरा एक पुल्लिंग शब्द होता है और वहीं पर ठठेरिन एक स्त्रीलिंग शब्द होता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी, यानी दोस्तों आपको ठठेरा का स्त्रीलिंग शब्द वीडियो पसंद आया, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें।